तो चलिए पहले आप लोग को बढ़िया तरह से दिखाते हैं दोस्तों कि हम लोग बाथरूम का रूम किस प्रकार से बनाए हुए हैं। देखिए ये रहा मेन कॉरिडोर यानी कि गली। देखिए ये रहा हम लोग का पेन कमोड वाला रूम। देखिए यहाँ भी पूरा एकदम अच्छा तरह से। और इधर देखिए दोस्तों यही भैया लोग काम कर रहे हैं प्लम्बिंग का। ये वाला एक ठो हुआ, एक ठो वो वाला हुआ। इसमें रहेगा दोस्तों नहाने वाला रूम। और देखिए पूरा एकदम अच्छा तरह से काट लिए हैं, उसके बाद में पाइप फिटिंग करना शुरू कर दिए हैं वॉल मिक्सर लगाने के लिए। ऐसा एडेप्टर है। तो बाथरूम में इतना प्लम्बिंग का काम हुआ है दोस्तों। देखिए इस तरह से पूरा एकदम दीवार वगैरह काट करके पूरा एकदम अच्छा तरह से पाइप फिटिंग कर दिया है। यहाँ पर हम लोग का पानी आएगा दोस्तों। अब हम लोग का नया बाथरूम बन रहा है एकदम पूरा डिजाइन वाला। क्या जी? हाँ। यहीं पर हम लोग का नहाना धोना आपको कैसा लग रहा है? एगो इंग्लिश वाला एगो देहाती वाला। हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और सारे मिस्त्री लोग आ गए हैं दोस्तों और अपना अपना काम पे भी लग गए हैं। और आज हम लोग का काम हो रहा है दोस्तों प्लम्बिंग का। आप लोग तो देखे ही थे पिछले वीडियो में कि हम लोग सारा सामान प्लम्बिंग का ले आए हैं जो हम लोग का पाइप लाइनिंग का काम है। तो आज हम लोग का पाइप वगैरह फिटिंग होगा दोस्तों। मिस्त्री सब आ गए हैं, अभी नीचे में वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, काट रहे हैं दीवार वगैरह। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं हम लोग का कैसा हम लोग का बाथरूम बन रहा है ना जी। नहाने वाला, पेन कमोड, बैठने वाला, यानी कि सब बाथरूम जो है बढ़िया तरह से बना दे रहे हैं। तो वहीं पर अभी काम हो रहा है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं अब। और आज का मौसम देखिए दोस्तों कितना तेज धूप उगा हुआ है और एकदम पूरा जोर शोर से पूरा एकदम हवा चल रहा है, पूरा एकदम तूफान जैसा है ना जी। आज ही पूरा एकदम दे रहा है हवा, नहीं तो हवा नहीं चलता था। तो अब चलते हैं दोस्तों जहाँ हम लोग का बाथरूम का काम हो रहा है। चलिए जी। हाँ देखिए ये रहा हम लोग का बाथरूम, यहीं पर अभी काम हो रहा है। भीतर में एकदम पूरा पाइप वगैरह एकदम लगाने के लिए कटिंग कर रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा गर्दा उड़ रहा है। और इधर देखिए दोस्तों यही भैया लोग काम कर रहे हैं प्लम्बिंग का। क्या भैया? देखिए इस तरह से जोगाड़ बना करके अभी काम करेंगे। यहाँ पर चैम्बर है, उसी को ढक दिए हैं। यहाँ पर पैर वगैरह स्लिप नहीं करेगा, अंदर घुस जाने से पूरा दिक्कत है। तो चलिए पहले आप लोग को बढ़िया तरह से दिखाते हैं दोस्तों कि हम लोग बाथरूम का रूम किस प्रकार से बनाए हुए हैं। देखिए ये रहा मेन कॉरिडोर यानी कि गली। और देखिए ये रहा इधर दो ठो रूम, ये वाला एक ठो हुआ, एक ठो वो वाला हुआ। इसमें रहेगा दोस्तों नहाने वाला रूम और वो रहेगा पेन कमोड, बैठने वाला रूम। तो इस प्रकार से हम लोग बनाए हुए हैं बाथरूम डिजाइन वाला। देखिए यहाँ पर आराम से जो है वॉशिंग मशीन ये सब वहाँ पर रह सकता है, वहाँ पर पॉइंट वगैरह छोड़ देंगे और यहाँ पर आराम से आना जाना करने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर लाइट वगैरह सब दिया जाएगा, एकदम बढ़िया लगेगा। और देखिए इसमें जो है यहाँ पर नहाने का अच्छा तरह से झरना वगैरह बैठ जाएगा, यहाँ पर वॉल मिक्सर बैठेगा, यानी पूरा बढ़िया तरह से बना देंगे। क्या भैया? देखिए यहीं पर पाइप बैठाने के लिए अभी कटिंग किए हुए हैं, यहाँ पर इसको अच्छा तरह से इसको काट लेंगे, पूरा एकदम झाड़ देंगे, उसके बाद में यहाँ पर पाइप बैठाएंगे पूरा काट काट करके। देखिए इस तरह से काम हो रहा है यहाँ बाथरूम का। देखिए कितना अच्छा कटिंग किए हुए हैं दोस्तों, पूरा एकदम मशीन से काट लिया एकदम पूरा सीधा, उसके बाद में इसको झाड़ेंगे पूरा ईंटा को और पूरा एकदम इतना मतलब पाइप बैठने जैसा एकदम उसको गोल कटिंग करेंगे ना, उसी में बैठेगा। तो इसीलिए इसको ऐसा बना रहे हैं, काट काट के कर अभी छोड़ दे रहे हैं। तो नहाने वाला रूम जो बनेगा दोस्तों वो तो आप लोग को दिखा दिए, अब चलिए आप लोग को दिखाते हैं पेन कमोड बैठेगा वो वाला रूम को। ये देखिए यहीं पर हम लोग का बैठेगा पेन कमोड और नल वगैरह बैठेगा। तो यहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, पहले वहाँ कर लेंगे वो वाला रूम में, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर सिलाप वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है, इसको उठा करके वहाँ पर ढक देना है चैम्बर में ताकि यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत ना हो काम करने में। और देखिए ये गली में यहाँ पर एक ठो पॉइंट दे देंगे वॉशिंग मशीन का, यहाँ पर वॉशिंग मशीन लग जाएगा, आराम से यहाँ पर कपड़ा वगैरह धोवाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो इधर तो आज बाथरूम का काम शुरू हो ही गया है दोस्तों। तो चलिए अब आप लोग का और भी बढ़िया बढ़िया काम दिखाते हैं जो हम लोग का डिजाइन वाला काम हो रहा है, अब उसमें चलते हैं देखने के लिए है ना जी। चलिए आज हम लोग का ऊपर में खपरा भी बैठ रहा है, तो वहीं पर चलते हैं सीधे ऊपर टॉप में। क्या जी? चलिए तो फटाफट सीधे ऊपर चढ़ते हैं दोस्तों, आइए जी। हाँ चलिए। और देखिए मामू जी लोग भी आ रहे हैं, यहाँ पर लाइट वगैरह लगाएंगे। तो छत पर हम लोग पहुँच गए दोस्तों, आइए जी। अब सीधे ऊपर उठते हैं टॉप में। इधर से उठेंगे? अच्छा इधर सीढ़ी लगा हुआ है, इधर से ही उठते हैं।
आप नीचे में ही रहिए, है ना, हम ऊपर चढ़ते हैं। देखिए मिस्त्री जी अंदर में है, इतना ज़्यादा धूप चल रहा है ना और लू हवा, तो काफ़ी एकदम गर्मी लग रहा है ना। हाँ, इसलिए नीचे बैठे हुए हैं। और देखिए एगो मिस्त्री जी यहाँ पर पूरा एकदम काम करने में लगे हुए हैं, खपरा बैठाने में, खपरा ठोका रहा है। अच्छा, बाप रे बाप, बड़ा मुश्किल होता है ऐसा जगह में काम करना। देखिए इस तरह से खपरा बैठा रहे हैं मिस्त्री जी, कितना सुंदर लग रहा है एकदम देखने में। इससे ज़्यादा ऊपर चढ़ने का जूत नहीं बन रहा है दोस्तों, जगह नहीं है, इसलिए पूरा टॉप में नहीं जा पा रहे हैं। थोड़ा देर के बाद में फिर यहाँ बैठ जाएगा, उसके बाद में चढ़ेंगे। अभी पूरा ज़ोर शोर से बैठाने में लगे हुए हैं खपरा। देखिए ये सब में पूरा बैठेगा, जहाँ तक प्लास्टर हुआ है उसमें पूरा एकदम बढ़िया तरह से ठोक देंगे। हाँ, चटनी है, चटनी, सीमेंट का चटनी। देखिए किस तरह से व्यवस्था बना करके काम करना पड़ता है, ये ऊपर का काम हो जाता है ना, पूरा मजबूती से काम करना पड़ जाता है। तो अब हम भी चलते हैं दोस्तों, नीचे उतरते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्सी है, यहाँ पर जगह नहीं बन रहा है खड़ा होने का बढ़िया से। अब हम भी नीचे उतर जाते हैं। मिस्त्री लोग तो नीचे उतर गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप है ना, तो धूप में थोड़ा थोड़ा जो है छाया भी ले लेकर के काम करने से बढ़िया रहता है। और इधर देखिए कविता जी भी देख रहे हैं, नींद आ रहा है क्या जी? धूप लग रहा है। तो अब हम लोग नीचे तरफ चलते हैं दोस्तों, चलिए आइए आइए जी, ऊपर काम करेंगे ना, देख लीजिएगा कैसे लाइट लगा रहे हैं। वो वाला लाइट लगेगा, लाइट ऊपर में। चलिए अब नीचे तरफ चलते हैं। तो नीचे हम उतर गए दोस्तों, और देखिए पीछे पीछे कविता जी भी आ गए, है ना जी, देख लिए। हाँ। अभी नहीं लग रहा है, बाद में लगेगा, पूरा जोगाड़ बनेगा ना उसके बाद। और इधर देखिए भाभी और चाची दोनों भी लगे हुए हैं सीमेंट उठाने में। हाँ। देखिए यही रूम है हम लोग का, सीमेंट वाला रूम, यहीं पर सीमेंट वगैरह रख देते हैं ला करके। देखिए बगल में टाइल्स भी रख दिए हैं, क्योंकि ये सब रूम पूरा खाली हुआ ना यहाँ पर टाइल्स लगाने के लिए, तो सारा यहाँ का सामान जो है ये वाला रूम में भर दिए हैं। देखिए इधर उधर पूरा एकदम रखा हुआ है सामान, अब सब धीरे धीरे ये सबको भी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी टाइल्स बैठेगा दीवार में। हाँ, तो ये सब सामान खाली हो जाएगा, उसके बाद में बैठेगा, अभी है समय। देखिए सीमेंट वगैरह सब आधा बोरा कर लिए, अब इसको चढ़ाएंगे दोनों आदमी। और देखिए इधर अभी कविता जी देख रहे हैं क्या जी। तो अब चलते हैं दोस्तों, चाची को उठा देते हैं सीमेंट, है ना जी। वाह, इतना गर्दा उड़ता है, बहुत गंदा। आइए, पूरा नाक में घुस जाता है। अच्छा, चलिए जाने दीजिए इन लोग को। तो सीमेंट उठा दिए दोस्तों, चाची और भाभी लेकर के चढ़ गए ऊपर। और इधर देखिए खपरा वाला गाड़ी भी आ गया है, अब चलते हैं फटाफट सीधे नीचे उतारते हैं, है ना जी। देखिए एकदम पूरा मजबूत खपरा है, यही वाला ऊपर में लगेगा टॉप में। अब उठा उठा करके सब इधर जो है साइड में उतार उतार के रख देते हैं यहाँ पर बगल में, क्योंकि यहाँ पर तो ग्रेनाइट वगैरह कटिंग होगा, तो इधर जगह नहीं है, इसलिए इधर ही रख देते हैं क्या जी। इधर तो है। हाँ, उधर रख दीजिए ना, ये सबको साइड करके। देखिए पूरा बंडल बांधा बांधा हुआ है एकदम है। भारी तो है, इधर रख साइड में। सबको ऊपर चढ़ाना है, तो इधर सामने वाला खत्म हो गया है दोस्तों, अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा गाड़ी के ऊपर, यहाँ से उतरना पड़ेगा। लीजिए सामने में रख दिए, फटाफट अनलोडिंग कीजिए।
तो सब खपरा नीचे उतार लिए हैं दोस्तों और गाड़ी खाली करके भेज दिए। अब चलते हैं ये सबको ऊपर में चढ़ाते हैं, छत ऊपर रहेगा, वहीं से जितना जरूरत लगेगा सब लगेगा वहाँ पर। तो खपरा भी वो लोग छत ऊपर चढ़ा रहे हैं दोस्तों, और अभी हम आए हुए हैं बाथरूम तरफ और देखिए पूरा एकदम अच्छा तरह से काट लिए हैं। उसके बाद में पाइप फिटिंग करना शुरू कर दिए हैं, देखिए इस तरह से पूरा एकदम नापी से काटते हुए जा रहे हैं और बढ़िया तरह से लगा दे रहे हैं। देखिए इस तरह से लग रहा है हम लोग का बाथरूम में पाइप, देखिए उधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, पूरा रूम में लगेगा। देखिए इस तरह से काम हो रहा है, अभी देखिए पूरा एकदम मिला मिला करके अभी नाप रहे हैं, उसके बाद में पाइप काटेंगे। देखिए जितना लगता है उस तरह से नाप लेते हैं और काटते हैं। देखिए कितना छोटा छोटा पाइप लग रहा है। और इधर देखिए दोस्तों वाल मिक्सर लगाने के लिए ऐसा एडेप्टर है ना भैया, इसी में लगेगा ना। देखिए पहले ही यहाँ पर प्लग वगैरह लगा दिए हैं ताकि पानी लीकेज नहीं करेगा। तो बाथरूम में इतना प्लम्बिंग का काम हुआ है दोस्तों, देखिए इस तरह से पूरा एकदम दीवार वगैरह काट करके पूरा एकदम अच्छा तरह से पाइप फिटिंग कर दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है एकदम देखने में। देखिए यहाँ पर पूरा एकदम वाल मिक्सर का सेटिंग एकदम लगा दिए हैं बढ़िया तरह से, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर पूरा बैठ जाएगा उसके बाद में बढ़िया लगेगा। देखिए ऊपर में को पॉइंट दे दिए हैं, वहाँ पर झरना लगेगा, इस तरह से एकदम काफ़ी सारा पॉइंट छोड़े हुए हैं। देखिए बहुत अच्छा से काम हो रहा है हम लोग का प्लम्बिंग का बाथरूम में। देखिए यहाँ पर हम लोग का पानी आएगा दोस्तों, जो भी हम लोग का नहा धोवा हुआ पानी रहेगा वो सारा एकदम बाहर निकल जाएगा, उसके लिए पाइप लगाए हुए हैं। देखिए इस तरह से पूरा एकदम मजबूत से लगा दिए हैं एकदम। यहाँ पर और भी एकदम अच्छा तरह से जाम कर देंगे, मसाला वगैरह दे करके बढ़िया हो जाएगा। तो ये रूम में इतना काम हुआ है दोस्तों, वो वाला रूम में भी हुआ है, तो चलिए आप लोग को उस रूम में भी दिखाते हैं। चलिए जी हाँ। देखिए ये रहा हम लोग का पेन कमोड वाला रूम। देखिए यहाँ भी पूरा एकदम अच्छा तरह से पाइप फिटिंग हो गया है। ये देखिए इस तरह से पूरा एकदम चारों तरफ एकदम दीवार काटे हुए हैं और बढ़िया तरह से पाइप लगा दिए हैं इसमें भी। और देखिए इस तरह से पॉइंट भी दे दिए हैं दोस्तों, यहाँ पर नल लगेगा, यहाँ भी नल लगेगा, देखिए उधर भी नल लगेगा, इस तरह से पूरा एकदम बढ़िया तरह से छोड़े हुए हैं। देखिए ये भी पॉइंट है नल का ही। तो आज हम लोग का यही सब काम हुआ है दोस्तों, जितना करने सके उतना किए हुए हैं। उसके बाद में वो लोग चले गए घर, क्योंकि काफी शाम हो गया है ना जी, यही सब लगाते लगाते। तो आज हम लोग पूरा एकदम खुशी से एकदम पूरा झूम उठे दोस्तों, क्योंकि अब हम लोग का नया बाथरूम बन रहा है एकदम पूरा डिजाइन वाला, क्या जी। हाँ। यहीं पर हम लोग का नहाना धोना प्लस में यहाँ पर पेन कमोड रहेगा, तो वो सब भी यूज कर सकते हैं, क्या जी। हाँ जी। अब बढ़िया लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, मजा लग रहा है ना। देखिये यहीं पर हम लोग का पेन कमोड भी बैठ जाएगा एक ही जगह में, ऊंचा वाला हेड वाला। हाँ, एगो इंग्लिश वाला, एगो देहाती वाला, यानी कि एगो इंडियन पेन और एगो विदेशी पेन। हाँ, फॉरेन वाला, दो तरह का यहाँ पर पेन कमोड बैठेगा। बहुत ही अच्छा लगेगा जब यहाँ पर पूरा सजावट होगा ना, यहाँ पर पूरा बिजली का काम होगा, टाइल्स वगैरह लगेगा, उसके बाद में एकदम पूरा बढ़िया लगेगा। तो आज जितना होने सका दोस्तों उतना हुआ है। तो चलिए अब तो शाम हो ही गया है, हम लोग भी खाना पीना बनाते हैं जा करके। तो चलिए आज का ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।